नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, बात करते हैं राजस्थान की दोपहर की टॉप 8 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबों बड़ी खबर की। आपको बता दें कि आज खत्म हो जाएगी वैक्सीन। राजस्थान में वैक्सीन का संकट लगातार बना हुआ है। राजस्थान में 3 दिन वैक्सीनेशन होने के बाद आज फिर इनके बंद होने की स्थिति बन गई है। 15 से 18 जुलाई तक अलग अलग चरण में आई 15.32 लाख डोज में से अब पूरे प्रदेश में 1.75 लाख डोज ही बची हैं। ऐसे में बुधवार से राज्य में लगभग सभी सेंटरों पर वैक्सीन की कमी आ जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान वेदर अपडेट। भारी बारिश के बाद जाने आज कहां कहां बरसेंगे बद्रा। दोस्तों, आपको बता दें कि 11 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरी राजस्थान की बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना और वज्रपात की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ वज्रपात की संभावना है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस की नीति नियत में खोट का परिणाम है कि खनन विभाग में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला भाजपा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार पर खनन घोटाला का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नीति और नियत में खोट का परिणाम है कि खनन विभाग में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में क्या चल रही है कोरोना की स्थिति, जानिए राजस्थान कोरोना अपडेट। 23 जिलों में नहीं मिला एक भी केस, बड़ी खबर। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की हुई मौत। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 33 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 9,53,393 पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सीएम घोषणा, रजिस्टर्ड स्टाफ के लिए बड़ी रात, 15 लाख तक के कार्यदेश के लिए टेंडर प्रक्रिया की जरूरत नहीं। राजस्थान में रजिस्टर्ड स्टाफ की राहत बड़ी खबर है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित कार्यों के लिए 15 लाख रुपए तक के कार्यदेश बिना टेंडर प्रणाली के दिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अब सीएम अशोक गहलोत लेंगे पुलिस अफसरों की क्लास, कानून व्यवस्था पर देंगे बड़े निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पुलिस अफसरों की क्लास लेंगे। सीएम गहलोत शाम को 5 बजे से सीएमआर में वर्चुअल रूप से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि एक बार फिर लगा शादियों पर लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के बीच अनलॉक हुए शादी विवाह फिर लॉक हो जाएंगे। मंगलवार को देवसेनी 11 पर भगवान नारायण के शयन करने पर सारे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी, जो देवउठनी एकादशी तक 4 महीने के लिए जारी रहेगी। ऐसे में 4 महीने तक कोई शादी समारोह नहीं हो पाएगा, शादी समारोह और शुभ विवाह नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि 10 साल बाद एक बार फिर बड़ी खबर आई। 10 साल बाद फिर सिटी बस शुरू करने की तैयारी। नगर निगम शहर का सर्वे कर पहले रूट तय करेगा ताकि पिछली बार की नौबत नहीं आए। आपको बता दें कि यात्री भार का सर्वे कर आम लोगों से पूछा जाएगा कि उन्हें कहां से कहां तक ज्यादा बसों की जरूरत है। वर्ष 2011 में बनी थी बीकानेर सिटी बस सर्विस कंपनी, यात्री भार नहीं होने से कुछ दिन चलकर बंद हो गई। ये बसें लगातार 10 साल से बंद है और इन्हें अब एक बार फिर से आरंभ किया जाएगा। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दोपहर की टॉप 8 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।